हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम सब एक साथ जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे एक जगह है हेलेनेलुंड और सोलेंटोना मतलब कम्यून में, और वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं आज अनायरा का 21st डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो 21st डे सेलिब्रेट क्यों होता है? लाइक ओडिया में, मैं ओडिया हूँ, तो हमारे यहाँ उड़ीसा में एक 21वां पूजा करके होता है। लाइक पूजा मतलब पूजा और 21 मतलब 21 डेज, लाइक 21 दिन। तो बेबी को लेके जा रहे हैं। मेन मेंबर तो है, चलो हम लोग चलते हैं अभी तुरंत। तो अभी क्या हो गया, हम लोग 5 लोग हैं लाइक बेबी को मिलाकर। तो कोई भी गाड़ी में 5 लोग नहीं आ रहे, कार सीट हो रहा है, तो इसलिए मैं बस से चला जाऊंगा और उन लोगों को भेज दिया कार में। भाग के जाता हूँ, भाग के। और ये जो पूजा है ना 21st डे वाला, काफ़ी बड़े तरीके से कराया जाता है। लोगों को बुलाया जाता है, खाना पीना वैसे होता है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली वो फैसिलिटीज नहीं है। स्वीडन पुजारी करके एक है, वहाँ पे थोड़ा बातचीत किया था। बट ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस मूवमेंट है हमारे लिए। बट वो जैसे बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, ऑब्वियसली ये उनका बिजनेस है, मुझे ठीक नहीं लगा। मैं सोचा कि नहीं, घर पे जाके नेक्स्ट ईयर, जब एक साल में हम लोग सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे इंडिया, तो वहाँ पे बर्थडे के साथ ही सेलिब्रेशन कर देंगे। वैसे तो स्टॉकहोम में बहुत सारे हिंदू टेम्पल है। हेलेनेलुंड वाला हमारे घर के नज़दीक था। तो ये रहा हेलेनेलुंड स्टॉप पीछे मेरे, और यहाँ आगे वो रहा मंदिर। ये रहा। फ्राइडे का दिन है और अभी लॉन्ग वीकेंड है हमारा, तो हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आपका बेबी होता है तो क्या आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, और अगर नहीं भी मिलती है तो उसके लिए रेसिडेंस परमिट मिलता है या फिर रेसिडेंस परमिट जो मिलता है वो कैसे अप्लाई करना होता है। तो इसके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं, चलो। तो जैसे यूएस और कैनेडा, यूएस का तो मुझे पर्टिकुलरली पता है, बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनका बेबी जब होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको यूएस सिटीजनशिप मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप अभी जैसे हम लोग बड़े हो गए, मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह गए वहाँ पे यूएस पढ़ने के लिए, MBA करने के लिए। तो अगर मान लो आपकी सिटीजनशिप आपके पास हो तो कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा, वीज़ा वगैरह कोई लफड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यूरोप में ये चीज़ नहीं होती, पर्टिकुलरली इन स्वीडन में बताऊँ, क्योंकि बाकी जगहों का मुझे आइडिया नहीं है, बट होता होगा वैसे ही। स्वीडन में ऐसा होता है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आपके पास किसी के पास सिटीजनशिप है तो आपकी बेबी को सिटीजनशिप मिल जाएगा स्वीडन का। बट अगर आप दोनों के पास सिटीजनशिप नहीं है तो आपका जो वीज़ा स्टेटस है वही बेबी को मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा होता है कि जब आपकी बेबी, हमारी जब बेटी हुई तो तुरंत ही हॉस्पिटल में हमें लाइक 5 मिनट में उसका पर्सनल नंबर जो होता है ना, यहाँ पे हम लोग जो अप्लाई करते हैं 1-1 महीना लगता है, उनको पैदा होते से ही उनको पर्सनल नंबर मिल जाता है। तो इसको मिल गया था। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, 2 चीज़ करनी होती है। एक तो नाम रजिस्टर करना रहता है, आपको वो फॉर्म भेजते हैं वो लोग, स्कैटरवर्केट वाले जो टैक्स एजेंसी है, तो एक फॉर्म भेजेंगे। तो वहाँ पे लास्ट नेम क्या है वो चूज़ करना पड़ेगा, और लाइक मोहिंद्रा चूज़ करना था या फिर सामल, तो हमने सामल चूज़ किया। वहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह भी आप दे सकते हो, लाइक जो भी नाम आप चूज़ करो। जैसे इसका अनायरा है तो हमने लिख के दिया था। जब स्वीडिश नाम होता है तो वो बहुत तुरंत अपडेट हो जाता है। जब कोई इंडियन नाम होता है विच इज़ नॉट अ स्वीडिश नेम और वेरी यूजुअल इन स्वीडन, तो उसका थोड़ा टाइम लग जाता है, लाइक 1 to 2 weeks, ठीक है। तो ये चीज़ नाम रजिस्टर वहाँ पे हो गया। तब तक आपको एक मेल या फिर चिट्ठी आ गई होगी कि आपका यहाँ पे एक बेबी हुआ है, उसका पर्सनल नंबर ये है, लेकिन उसका हमें वीज़ा स्टेटस नहीं पता, वो स्वीडन में कैसे रहेगी और उसका सिटीजनशिप क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ता है माइग्रेशन वर्केट को, जो माइग्रेशन एजेंसी है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर नाम रजिस्टर नहीं किए होगे तो यहाँ पे स्कैटर वर्केट में एक पर्सन बेबिस होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन रजिस्टर में होना चाहिए आपका नाम। तो अगर आप बेबी का नाम वहाँ नहीं होगा तो आप वो डॉक्यूमेंट वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप पासपोर्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते, और पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करोगे तो आरपी कार्ड के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट हाँ, हम लोग जो आरपी कार्ड कर रहे हैं वो मैं अपने कंपनी के थ्रू करा रहा हूँ, तो इसलिए वो लोग मुझे ये सब डॉक्यूमेंट मांगे थे। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो तो उस केस में मे बी पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट आप बाद में अगर अपलोड करोगे तब भी चलेगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप कंपनी के थ्रू करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस रहता है वीज़ा वगैरह का, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर स्वीडन में आपके बच्चे 3 साल रह चुके हैं तो उसके बाद उनको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। लेकिन 3 साल नहीं हुआ है, लाइक ये अभी पैदा हुई है, तो अभी हमारे पास जो स्टेटस है वो है वर्क परमिट, लाइक रेसिडेंस परमिट जो 2-2 साल का रहता है। तो इसके लिए अभी हम लोग जब वीज़ा रेस करेंगे तो मेरा वीज़ा मान लो जून तक है, तो इसका वीज़ा भी जून तक ही मिलेगा। तो उसके बाद फिर से अपना पीआर या फिर एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे, तो बेबी का भी रेसिडेंस परमिट ही अप्लाई करेंगे, पीआर नहीं हो सकता। पीआर के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो अभी के लिए तो अनायरा का रेसिडेंस परमिट ही रहेगा। हम दोनों का मे बी पीआर हो सकता है, देखते हैं जब अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा। बट थोड़े टाइम के बाद शायद इसका भी पीआर हो जाएगा या फिर सिटीजनशिप, लेट्स सी। और जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपका बेबी होता है तो तुरंत पासपोर्ट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई कर दो, वो इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट में जाके ही करना होता है और कुछ 670 krona पड़ता है। उससे बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दोनों चीज़ मिल जाती है, और वो तुरंत कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर रेसिडेंस परमिट भी आप अप्लाई करोगे। क्योंकि ये सब करने के पीछे एक चीज़ है कि आपको वो जो बान विद्राग मिलता है ना, मंथली 1250 krona कुछ मेंटेनेंस के लिए मिलता है, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, कि 1250 नॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बट जिसको ज़रूरत है तो जितनी जल्दी करोगे तो वो उतना अच्छा है। बाकी और क्या मैं बोल रहा था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप रेसिडेंस परमिट अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको वो बान बिद्राग या फिर जो मेंटेनेंस फीस वगैरह मिलेगा नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, वो नहीं करा था बहुत टाइम तक पासपोर्ट या फिर वो सब चीज़ें, तो उसको नहीं मिला था। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। होपफुल कि आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, अगर मिली है तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। और हाँ, अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं है किसी के पास, तो बेबी होने से सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज़, अगर आपके पास डिपेंडेंट वीज़ा है तो आप डिपेंडेंट वीज़ा में भी काम कर सकते हैं। बाय।